खबर राजसमंद से। राजसमंद अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रधान नैमिचंद जागीर का 5 जुलाई को गांधीधाम गुजरात में असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से देश विदेश और समाज में शोक की लहर छा गई। देश भर में समाज और इष्टगणों द्वारा पुष्पांजलि सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके चलते अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा राजसमंद व जागीर युवा शक्ति राजसमंद द्वारा पुष्पांजलि सभा का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा राजसमंद के जिलास के अध्यक्ष गोपाल जागीर ने बताया कि इस दौरान शोक सभा में उपस्थित जागीर युवा व्यक्ति के जिला अध्यक्ष विनोद सुथार, जागीर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश शर्मा, जागीर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शांतिलाल वर्मा, जिला महामंत्री दिनेश जागीर, युवा शक्ति के पूर्व अध्यक्ष अतुल जागीर शर्मा, जगदीश शर्मा, दीपक शर्मा, बाबूलाल शर्मा, विनोद शर्मा और महासभा के सभी सदस्यों द्वारा संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत नैमिचंद जागीर को पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।